एवरीथिंग अबाउट क्रिकेट देखो मगर ध्यान से #DMD विद हरी टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल अपॉइंटमेंट आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद अ डॉक्टर बिकॉज मेरे बैट की तबीयत ठीक नहीं है नो यू हर्ड इट राइट माय बैट इज नॉट वेल समझे नहीं देन लेट मी टेल यू जैसे हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट और दांतों के लिए डेंटिस्ट वैसे बैट के लिए बैट डॉक्टर In fact, the doctor I am going to is a veteran of this field. Players from Sachin to Kohli, even from overseas like Andre Russell, come to this special doctor when they need a regular checkup of their bats. So let's go and meet this amazing bat doctor. So Mr. Ram Bhandari is known as bat doctor for his ingenious skills with bat repairing. And today we are going to have an exclusive chat to him about this bat doctor story and where did it all start from. But to be honest with you, it's very difficult to find him because the man likes to keep a low profile. But हमारे भी अपने source हैं, so let's go. Let's see where he is. I think I finally reached here after a bit of difficulty because this man's address is so hard to find. But I think I finally reached here. कुछ जानना चाहेंगे थोड़ा बहुत कि सबसे पहले आपने ये शुरुआत कहाँ से हुई है? ये शुरुआत कहाँ से हुई बोलने से ये मैं पहले बचपन में क्रिकेट खेलता था क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल पूरा खेला हूँ बाद में लास्ट में बेंगलोर आया बेंगलोर आने से क्रिकेट खेलता था और जॉब भी करता था पार्ट टाइम जॉब मेरा क्रिकेट का वो खेलते 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 क्योंकि मेरा शादी भी हो गया बच्चे हो गए बैकग्राउंड कुछ भी सपोर्ट नहीं है तो फिर ये कुछ काम करना पड़ेगा बोला क्योंकि मैं गांव में मेरा दादाजी कारपेंटर काम करते थे जब मैं स्कूल से आता था तो दादाजी को हेल्पिंग करता था मैं तो हेल्पिंग करते करते मेरे लकड़ी काटना छाटना ऐसा मालूम है चेयर गियर ऐसा दरवाज़ा बनाना था वो फिटिंग करता था छोटा उम्र में 12-13-14 साल की उम्र में उसके बाद में गाँव छोड़ के जब बेंगलोर आया तो यहाँ पर खेलता था मैं खेलता था बाद में शादी होने के बाद में बच्चे भी हो गए फिर बैकग्राउंड नहीं है सपोर्ट के लिए अभी काम करना ज़रूरी है बोला फिर भी बाद में ऐसे ही गांधीनगर में एक प्लेयर चॉइस दुकान था उनका ओनर ने बोलते थे प्रवीण चंद जोशी ये भंडारी तेरे को मालूम है कारपेंटर काम अच्छा बनाता है लकड़ी काम मालूम है तो बैट बनाना सीखना बोला सीखने की क्या ज़रूरत है मेरे को तो आता ही है बोला फिर बनाना बोले अच्छा ठीक है बोला फिर एक दो बैट दिए रेडी करके दिया बोला क्या अच्छा बना रे तू कंटिन्यूस कर तू फिर वैसे ही कंटिन्यूस करते 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 आया आते आते फिर क्या होता है जब वहाँ दुकान में परचेस करने के लिए बैट देने के लिए रिपेयर के आते से जाते थे तब हमारा कर्नाटक में क्या है स्टेट लेवल खेलते हैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट ये लोग खेलते हैं तो स्टेट खेल के बाद में रणजी खेलते हैं रणजी खेलने के बाद में इंडिया खेलते हैं जैसे कि हमारा KL राहुल मनीष पांडे करुण नायर रविन उत्तपा ये लोग अंडर 13 खेले हैं अभी 13 काट के 14 बनाए हैं 16-19 बनाया है पहले 13-15-17-19 था तो ये लोग जब इंडिया खेलने का चालू किए तो फिर बुलाते हैं KC में आ जाओ अंकल बोलते हैं तो उधर जाता हूँ पहले तो मेरा राहुल द्रविड़ इंडिया खेले सबसे पहले आपने किसी बड़े क्रिकेटर का बैट बनाया तो राहुल द्रविड़ थे राहुल द्रविड़ हमारे क्योंकि कर्नाटक के प्लेयर है कर्नाटक के कॉलेज टीम से ही बनाते बनाते वो बड़ा हो गया इंडिया खेले तो मेरे को बुलाते थे NCA में जस्ट लाइक कि अभी साउथ अफ्रीका टूर इंग्लैंड टूर जाने का होता है तो एक हफ्ता पहले टीम रेडी होता है बेंगलोर में ही बेंगलोर में NCA नेशनल क्रिकेट अकादमी बेंगलोर में नाम ही था पहले वेदर गेदर सब की वजह से तो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं एक हफ्ता और रेडी होने के बाद में आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं वो लोग तो वो टाइम में क्या होता है यहाँ प्रैक्टिस करने टाइम में मेरे को बुला देते हैं अच्छा ठीक है बना साहब मेरे को बैट बैलेंस ये सब ये सब सब बोलते हैं बनाते भेजता था 2011 में तो हमारा टीम इंडिया फिक्स हो गया था जितना ही है बोल के तो बाद में क्या किया मेरे को एक हफ्ता तक पूरा KC में बुलाते थे आता था जाता था बैट लेके जाता था बनाता था पूरा बनाया बाद में मेन क्या है धोनी सचिन सहवाग गंभीर ये लोग तो गांगुली फिक्स हो गए थे जितना ही है बोल के बाद में पूरा बनाया विन हो गया हमारा विजय भारद्वाज इंडिया खेले थे ना विजय भारद्वाज ने बोले थे कि स्टेज में है ये बार वर्ल्ड कप भंडारी का 50% हेल्पिंग ऐसे बोले थे ओके ठीक है बैट का ये होता है कि जब एक बैट से प्लेयर खेल रहा है अच्छा सेट हो गया उसको खेल रहा है वो बैट टूट गया
तो नया बैट आता है कंपनी से, वो टाइम में क्या आता है, वैसा फील नहीं मिलता है। बैट भले वही कंपनी का रहो, लकड़ी का चीज़ है वो, कोई हेवी भी आता है, कई कोई लाइट होता है, कोई थोड़ा ज़्यादा करू बनाता है, कोई करू कम रहता है, किसी का हैंडल में भी बैक फ्रेंड डिफरेंस होता है, तो उसको खेलने के टाइम में फील नहीं आता है। फील नहीं आया तो बोलते हैं कि क्या कमी है, फिर मेरे को बोलते हैं भंडारी साहब ये सब फील नहीं आ रहा है देखो, बोलते हैं फिर मैं चेक करता हूँ, मैं बोलता हूँ आपका मैच बैट मेन मास्टर बैट दो बोलता हूँ, वो टूट गया टूटा हो जाओ बोलता हूँ, बोलता तो बैट देते थे, मैं देखता था हाँ फील उसका, उसका फील सेम वैसे ही फील बना के छील के क्या करना है उसको रेडी करके देता, बोलते थे हाँ फिर बोलते ये हुई ना बात। और हमारा टीम में वीरेंद्र सहवाग, सचिन और विराट कोहली टॉप ऑर्डर प्लेयर लोग क्या करते हैं, शॉर्ट हैंडल खेलते हैं, ऑलरेडी बैट में SH लिखा रहता है तो शॉर्ट हैंडल। एक बार बोले मेरे गेंद से में बना जी इसको थोड़ा शॉर्ट हैंडल बनाना, हाँ बोले वीरू ये तो शॉर्ट हैंडल ऑलरेडी शॉर्ट हैंडल है, बोला शॉर्ट हैंडल क्या है, हाँ ठीक है सुपर शॉर्ट बनाओ। उनका मतलब क्या था कि मैं इनको ऐसे बहाना बना के मैं निकल जाऊँगा, फिर दुकान में जाके फिर आना डबल काम होगा बोल के मैं वैसे बोला। उन्हें बोले कि शॉर्ट है ना सुपर शॉर्ट करो, छोड़ते नहीं उन्हें, बाद में ठीक है बोला, फिर 1 इंची काट के बना के लेके आ दिया, हाँ ये हुई ना बात। मैं बोला उन्हें बोलते थे जब ऐसा बैट पकड़ते हैं तो क्या होता है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन यहाँ पकड़ते हैं, मिडिल ऑर्डर है क्या हमारा युवराज धोनी यहाँ पकड़ते हैं, यहाँ पकड़ते हैं उसको हैंडल ठीक होता है, जब यहाँ पकड़ते हैं उनके हाथ यहाँ ग्लव जाता है, क्लिक मारते यहाँ पर झेलता है टच होता है, उसके लिए शॉर्ट कराते हैं। और ऐसे ही 2018 में रसल का एंड्रे रसल का बैट आया, SS कंपनी से दो बैट भेजा उनको, तो प्रैक्टिस कर रहा है बोल रहा है कि फील नहीं आ रहा है, फिर मेरे को फ़ोन किया, मैं बोला कि वो टीम मैनेजर महेश है उनको दे दीजिए वो लेके आएगा बोला, बाद में महेश को फ़ोन दे बोला, महेश वो बोला कि नो आई वांट भंडारी बोला, फिर महेश बोला कि भंडारी आप ही आ जाना बोल रहा है पुलिस आ जाओ बोला, फिर मैं गया यहाँ से जाके बैट देखा, मैं बोला कि आपका मैच बैट दो बोला, चेक लिया, लेने के बाद में मैं देखा तो हाँ इसका बीमार यहाँ है, फिर यहाँ लिखा है तो लॉन्ग ब्लेड का भेजा है, थोड़ा 1 इंच लंबा था, देखिए मैं क्या किया यहाँ के नाप के बॉटम काट दिया, बॉटम काट के थोड़ा वेट भी था सेव करके बना कर दिया, बाद में खेला प्रैक्टिस किया तो बोल रहा है कि हाउ फील हाउ स्वीट वाओ ऐसे बोल रहा था, मैं बोले कि क्या था बोला, मैंने ब्लेड लॉन्ग था, वो लोग कंपनी वाला क्या करते हैं वो तो लंबा है लंबाई बैट चाहिए उसको बोल के ऐसे फील्ड में भेज देते हैं, तो उसको तो छोटा ही बैट नॉर्मल बैट खेलने का आदत है, तो ये सब छोटा छोटा काम बहुत। तो जैसे आपने बोला कि एक शॉर्ट हैंडल होता है और फिर एक लॉन्ग हैंडल और लॉन्ग ब्लेड भी होता है, जब हमारा ये क्रिस गेल उसके लिए हैंडल भी लंबा ब्लेड भी लंबा LB and LH होता है वो बैट भेजते हैं, तो वो लंबा है वो खड़े खड़े खेलता है और वही थोड़ा झुक के खेलता है उसको शॉर्ट हैंडल करते हैं, ऐसे प्लेयर को भी देखना चाहिए हाँ कैसा खेलता है क्या है। तो प्लेयर के प्लेइंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि उसकी हाइट या उस पे डिपेंड करता है, प्लेइंग स्टाइल में डिपेंड करना पड़ता है, जो जो लंबा हो तो भी झुक के खेलेगा तो उसको थोड़ा लंबा होता है ना, क्योंकि ड्राइव मारने के टाइम नीचे बॉटम टच हो जाता है जमीन में, टच हो गया तो शोल्डर खींचने का चालू करता है, जब ऐसे शोल्डर खींचते ही उसका क्या होता है हाथ ये आगे जाता है, तो ऑफ स्पिनर कोई बॉलर हो देख लिया हाँ ये शोल्डर खींच रहा है पीछे बोलने से, वो ऑफ फ्लाइट में डालेगा तो रफ पकड़ के मारेगा ना डीप में जाके आ जाता है, ऐसा है वो बॉलर का भी बहुत टेक्निक है, जितना बैट्समैन प्रैक्टिस करता है बॉलर भी उतने प्रैक्टिस करता है ना, तो उतने दिमाग चलाता है, तो वो सब उसका हिसाब से देख के बना। और जैसे आपने बोला कि आप उनसे बैट मांगते मास्टर बैट, हाँ, तो क्रिकेटर्स को अपना बैट बहुत पसंद होता है वो रखते हैं जब टूट भी जाता है, नहीं जो उसको फील आ गया जो अच्छा बैट है वो टूट गया तो घर में शोकेस में रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मास्टर बैट बोल के रखते हैं जो पसंद में आया फील आया हो। आजकल क्या करते हैं प्लेयर लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक बार मैं बैलेंस बना के देता हूँ रखता हूँ ना, जो वो लोग क्या करते हैं कंपनी को डायरेक्ट भेजते हैं, मेरे को ऐसे ही बैट चाहिए, कंपनी फिर वही हिसाब से
एक 6-7 साल पहले हरभजन सिंह ने बोले मेरे को, भंडारी जी मेरे को ओवल हैंडल चाहिए, बोले ठीक है, बोला मैं ओवल हैंडल बना के दिया। उसके बाद में ओवल हैंडल खेले, टेस्ट मैच में सेंचुरी भी मारे उन्हें ओ टाइम में। उसके बाद में नेक्स्ट बेंगलोर आए, बेंगलोर आने के बाद में क्या बोले, भंडारी साहब आपको मैं काम ईजी कर दिया। बोला क्या ईजी किया? वो आपका बनाया हुआ बैट था ना, वो बैट मैं कंपनी को देता हूँ, वो भज्जी स्पोर्ट मेरा ही फैक्ट्री है जालंधर में, उसको देता हूँ, सेम ऐसी किसी बैट बना के देता है, आपको काम ईजी हो गया ना। बोल रहा मेरा पेट में लात मारा ना, नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा बोलते थे तो प्लेयर लोग आजकल ऐसा करते हैं, जो पहले एक बार बनवा लिया ना बराबर मस्त, उसको कंपनी को भेजते हैं, सेम बैट को मैच बैट बनाते हैं। हाँ, एक चंद्रपॉल थे, RCB लिखल रहे थे, तो पहला स्टार्टिंग में 2008-09 ऐसा रहेगा, तो मेरे को बुलाए विंसर मैनर होटल में रूम था उनका, उधर बुलाए, बारे मैं गया रूम में, टीम मैनेजर भी साथ में गया मेरे को, और क्या है कि उनको हिंदी नहीं आता उतना, मेरे को इंग्लिश नहीं आता है, मैं बोलता हूँ कुछ भी बोलना रहा है उनको बोलो ना, नो 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 मई पापा इज वेरी वेरी हिंदी, आई एम थोड़ा थोड़ा, तो बोलते थे, मैं बोला सेम प्रॉब्लम मेरा भी ऐसा बोलता था, तो वैसे ही जोक करके बैट बनाते, उधर रूम में ही बनाए मैं, तीन बैट था, तीन बैट बैलेंस में सब वेट चेक करके लॉन्ग शॉट क्या है पूरा रेडी करके बाद में दिया। देने के बाद में बोले भंडारी जी लंच, बोला ओके, बोला नॉन वेज वेजिटेरियन ऑलराउंडर, बोला ओके ओके, बोले फिर उन्हें बिरयानी मंगाए होटल में, बिरयानी मंगाए, टेबल में बैठे तीनों आदमी खा के, मैं बोला कि अभी कोई सप्लायर वेटर आएगा, सोच के मैं ऐसे ही बैठा था। बाद में चंद्रपॉल का उसका भी खाना फिनिश हो गया, वो मेरा प्लेट उठाया उसका, वो चंद्र बोला नो यू आर सीनियर कोई, ऐसे बोलते थे। बाद में उठा कर ले गया डस्टबिन में डाल दिया। बाद में बोले कि भंडारी हाउ मच वांट, बोला खुशी से दिया तो 10 रुपये 5 रुपये भी बस है, नाराज होके 5,000 दिया भी मैं नाराज हूँ, ऐसा बोला व्हाट दिस नॉनसेंस 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ टेक 5,000 ऐसे ही बोल के फिर 5,000 दिया। मैं बोला कि चंद्र बहुत नो आपका बेटा है ना उसको स्कूल का फीस भरा है क्या, उसको फीस भरना ऐसे बोले, हिंदी आता था मगर पास्ट नहीं आता था, हिंदी बोलते थे तो ऐसा बोलते थे उन्हें बोलते थे मैं खेल रहा हूँ वेस्ट इंडीज के लिए मगर मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, उधर मेरा घर है, बनर कभी भी आना इंग्लैंड में आओगे तो मेरा ओन क्लब है मंटीपानस, उन्हें बोलते हैं मेरा ओन क्लब है आ जाओ आराम से रहेंगे, बोलते थे। मैं बोला कि मेरे को इंग्लिश नहीं आता है, बोलता व्हाट नॉनसेंस इंग्लिश हम बताएंगे आ जाओ ऐसे बोलते थे। आपने बोला कि आपने रूम में ही बैट बना दिया, तो कितना टाइम लगता है एक बैट को मतलब अच्छे से बनाने में? उसका काम देखे, बनाया हुआ नया बैट आता है कंपनी से, उसको सिर्फ बैलेंस देखना हमें क्या कमी है, वेट का डिफिकल्ट है और करूँ, और कोई हैंडल होता है ना थोड़ा फ्रंट बैक स्ट्रेट रहता है उसको भी देखना पड़ता है, बहुत सारे आदमी को मालूम नहीं है, वो छोटा छोटा पार्ट्स रहता है उसको क्या हिसाब से बनाना है वो बनाना चाहिए, बस पर्सनलाइज कर देते हैं उस इंसान के ऊपर। मतलब कि हर कोई अपना अलग अलग बैट चाहता है, तो आप सबसे पहले क्या मांगते हो, बैट मांगते हो उसका मास्टर? बैट मैं उसी लिए मेरे को 2011 का वर्ल्ड कप में पूरा प्रैक्टिस देखने के लिए भी बुलाते थे, तो वहाँ पर बैठ के देखता था उनका ये प्रैक्टिस स्टाइल खेलने का, वो और बैट इनको ये बैट लाइट बैट सूट होता है, इनको हेवी सूट होता है, ये होता है करू कितना है कैसा मारता है वो देखेंगे कि थोड़ा क्रिकेट भी खेला हुआ रहना चाहिए, आप क्रिकेट थोड़ा थोड़ा खेलेंगे ना तो आपको मालूम होगा हाँ ऐसा है। सीखना प्रॉपरली परफेक्ट बनाने के लिए दूसरे को देख के सीखने का भी जरूरत नहीं है, हमारा माइंड में जब बैट उठाएंगे देखेंगे तो हाँ बैट का ये कमजोरी है ये चाहिए इसको ये बैट को, वही हिसाब से खुद को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ये चेयर टेबल ये सब होता है कि इतना लंबा चाहिए इतना हाइट चाहिए इतना ये चाहिए बोल के नाप के बनाते, बैट में तो वैसे नापने का जरूरत नहीं है, उसमें फील आना चाहिए बराबर, फील जब फील आ गया तो होता है। जैसे ही हमारा देखिए बहुत पहले पुराना रिकॉर्ड था सैयद अनवर का, वो रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं रहे थे, जब बैलेंस का हिसाब आ गया तो सचिन ही डबल सेंचुरी मार के तोड़ दिए, रोहित शर्मा ने ट्रिपल
दो बार तीन बार मारे डबल डबल सेंचुरी हमारा ये वीरेंद्र सहवाग ने। तो बैट में मेन है कि बैलेंस, बैलेंस और फिटनेस, वो होगा तो जरूर होगा। तो जो ये आपने बोला कि ये बैलेंस आने के बाद, क्या ये एक टाइम के बाद समझ में आया लोगों की बैलेंस बैट का कितना ज़रूरी है, या फिर शुरू से था ऐसा? शुरू से नहीं, एक बार साउथ अफ्रीका में था आईपीएल, उधर आईपीएल बनाए, वो टाइम में हमारा कर्नाटक का प्लेयर थे, उन लोग बोले कि भंडारी उधर तो बॉन्सिंग ट्रैक है, क्या करना बैट कैसा रहना, ऐसा बोलते थे। जैसा हमारा ये बी अखिल, बालाचंद्र अखिल है ना, ऐसा ये खेलते थे, तो बोले कि बॉटम वेट लाइट कुछ उधर बॉन्सिंग ट्रैक है, भंडारी क्या करना है, ऐसा। तो मैं क्या करता, बॉटम वेट निकाल दिया पूरा बाल में खेले, हाँ बैट में कुछ है बोल के लगा वो लोग को, ऐसे ऐसे टिप्स रहता है एक बार। तो हमारा वीरू ही बोलते थे, भंडारी जी ये 15 ओवर का पावर प्ले का मतलब है मारने का, मैं ओपनर हूँ ना, वो हिसाब का बैट चाहिए। तो उनको क्या करता था मैं, 1150-60 ग्राम का बैट बना देता, वेट निकाल के उड़ना उड़ाते थे उन्हें। गौतम गंभीर, हमारा सचिन युवराज थोड़ा हैवी खेलते हैं, सचिन अभी 1250 में खेल रहे हैं, 1250-60 ऐसा वेट ऐसा होता है। रोहित शर्मा अच्छा हिटर, अच्छा प्लेयर है, जो जब हमारा टीम में बोलते थे रोहित और वीरेंद्र सहवाग दोनों आंधी तूफान है, जब तक रहेंगे क्रीज में मैच हमारा ही है, ऐसा सोचते थे। और एक तरफ रहते थे राहुल द्रविड़ और सचिन, पिलर दीवार रहते थे, एक तरफ से ये लोग आंधी तूफान। तो तभी तो टीम भी ऐसे ही था, ऐसा खेलते थे पूरा सीरीज, धोनी कैप्टनी ये सब जीतते थे। रामबाण रोहित, इसके पीछे क्या कहानी है? रामबाण रोहित बोलने से जो रामबाण भंडारी ने बैट जो राम लक्ष्मण उसके लिए बाण था ना, वैसे ही बाण बना के भंडारी ने दिया रोहित को, ऐसा कहानी लिखी है वो लोग। उनके खास बर्थडे पे दिया था आपने? नहीं वो नहीं, वो पहले का है, ये बर्थडे का, ये साल में 2022 चल रहा है ना, गया 2-3 महीने पहले बर्थडे था उसके लिए। बैंगलोर में टेस्ट मैच खेल रहे थे, खेलते हुए नया बैट था, बॉटम में पूरा डैमेज हो गया, फिर मेरे को बोले कि रेडी करो, मैं रेडी करने को आया, मीडिया लोग पहचान लिए, वहाँ भंडारी के पास आया अभी रोहित का बैट। ऐसा आपको कौन सा क्रिकेटर मिला है अभी तक जो अपने बैट से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है? मतलब सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी भी। धोनी एक बार मेरे को बोले, बेंगलुरु में मैच था, 2 दिन प्रैक्टिस कर रहे थे, भंडारी साहब ये मेरे को बैट चाहिए, हाँ मैच बैट है। मैं बोला कि पूरा फट गया है, ये हो गया, नया बैट सीख लो ना। माही बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा प्यारा बैट है, मेरे को चाहिए किसी हालत में, फिर प्रेस करके थ्रेडिंग कर दूँ क्या, कुछ भी करो मगर मेरे को बैट चाहिए। फिर मैं लेके गया उसको, पूरा प्रेसिंग करके थ्रेडिंग मार के फिर उसको रेडी करके दिया, उसके बाद में प्रैक्टिस किए, हाँ ये हुई ना बात, बोले फिर मैच भी खेले, अच्छा रन मारे। कि कौन सी कहानी है जो आपको हमेशा याद रहेगी, जो ड्रेसिंग रूम में या फिर आपने ट्रेनिंग के समय से कुछ हुआ हो? वैसा तो रहता ही है, चलता ही है। एक बार प्रैक्टिस करते टाइम में केसी में, वो प्रैक्टिस करके जब प्लेयर सुस्त होते, थकावट आता है, थोड़ा बैठ के रिलैक्स करके केला केले खा के रहते हैं, वो टाइम में ग्राउंड में वीरेंद्र सहवाग और सचिन चेयर में बैठ के बैठे थे। फिर वीरू ने लगता है मेरे को देखे, उधर ड्रेसिंग रूम में ऊपर बैठता मैं, भंडारी साहब इधर आओ बोले, क्यों बुला रहे हैं वीरेंद्र, वीरू ने मेरे को बोल के फिर मैं आया, चल के आया बाद में। तो क्या बुलाया वीरू, आप केला खाओ, बोले नहीं केला नहीं खा, नहीं खाओ खाओ ठीक है, बोला केला खाया। बाद में सचिन ने बोले कि भंडारी साहब मेरा बैट देखो थोड़ा, देखा मैं, भाजी ये तो एंथम का बैट है, वीरू बोल रहा है मेरा भी एंथम है, एंथम कंपनी ने 2-2 बैट दिया है। तो बाद में मैं देखा बैलेंस ठीक है, मतलब कुछ करना पड़ेगा, लेके जाओ, बोले फिर बैट लेके गया, फिर उधर बैठाए, बैठाने के बाद में बोले केला खाया, उधर बैठा, भंडारी साहब आपका कितना बच्चे हैं, लड़के कितने हैं, से बोला मेरा 2 बेटे हैं, वीर बोला मेरा भी 2 बेटे हैं, सचिन बोले मेरा 2 बच्चे हैं, बोले देखा उसके 2 बेटे नहीं है, इसके लिए बच्चे हैं बोल रहा है, ऐसा बोलते थे वीर। हमारा टीम इंडिया में ड्रेसिंग रूम में मजाक करने का, हंसाने का, छेड़खानी करने का हमारा वीरू बहुत नंबर 1 है, अच्छा है। हमारा सचिन
और गांगुली से सब प्लेयर थोड़ा डरते हैं सीनियर है बोल के, मगर वीरू एक आदमी है खुलेआम खुले दिल से, अंदर दिल बहुत साफ है उनका, ओपन बोलते हैं, मजाक करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, अच्छा आदमी है। आपने इतने सारे क्रिकेटर से मिले हैं और इतना उनके साथ उनके जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है बैट पे काम किया है, पर आप इतने फिर भी हम्बल एकदम आराम से बात करते हैं, आप कभी इतना ऐसे दिमाग में नहीं आया कि मतलब मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, उनका काम उनका बैट ठीक करता हूँ ऐसे? नहीं नहीं नहीं, मेरे नहीं, मेरे लिए तो सब एक ही है। देखिए आदमी अपने आप को बड़ा नहीं सोचना, आदमी कभी भी बड़ा नहीं होता है, वो नियत से बराबर काम करना, अच्छा रहना, अच्छा से काम करेंगे तो हो जाता है आदमी। बहुत बोलते हैं एक एक प्लेयर लोग बोले बोलता है कहाँ से मैं 6 महीने से ट्राई करूँ आपसे मिलने के लिए, कैसा अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि क्या करना पड़ता है, अरे ऐसे बोलते हैं। रायचूर गुलबर्गा और मध्य प्रदेश से भी आते हैं, वहाँ वहाँ से आते हैं मिलने के लिए, देखते हैं आप भंडार सब आप हैं बोलते हैं, हाँ भाई आप तो सिंपल है बोलते हैं, सिंपल ही हूँ मैं ऐसे बोलते बताऊँ मैं। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, और फिर जैसे बच्चे भी आते हैं आपसे बैट कराने ठीक कराने, तो आप सभी को उसी तरह ट्रीट करते हैं बैट को, या फिर कुछ बैट्स होते हैं जो आपको नहीं ये बैट बहुत स्पेशल है इस पे ज़्यादा? नहीं नहीं नहीं, मैं सब बैट जो अच्छा होता है अच्छा ही बोलता हूँ, बैट में वर्थ नहीं है नहीं बोलता हूँ, जो वर्थ है ये बैट अच्छा है, ये डुप्लीकेट है, ये अच्छा नहीं है, ऐसे मैं वो को नहीं बोल देता हूँ सामने ही, देखो इसको बनाओ वर्थ है बनाओ, वर्थ नहीं है तो चूँकि हाँ बनाता हूँ बोल के लटर पटर करके पैसा लिया भेज दिया, क्या फ़ायदा नहीं है उसमें, जब बनाएंगे तो लड़का भी खेलेगा, 2-4 शॉट अच्छा मारेगा, 50-100 रन मारेगा तो खुश हो जाएगा, जो नहीं मार पाएगा खेल नहीं पाएगा वैसे बैट बना क्या फ़ायदा, वो पनौती लग जाता है। कुछ अच्छे बैट होते हैं उन्हीं पे काम करना ज़रूरी भी है, बाकी आप पता चल जाता है कौन सा डुप्लीकेट है कौन सा बेकार, तो कौन सी चीज़ होती है जो आपको पता चल जाती है कि हाँ ये बैट अच्छा है नहीं ये ऐसी क्या बैट में क्या होता है? बैट में ये लकड़ी आजकल क्या बैट क्रिकेट बैट में भी बिजनेस हो गया है, जो मेरठ में जो लकड़ी आता है ज़्यादा वहीं पर मेरठ में ही है, जालंधर में है, इंग्लैंड से जो लकड़ी आता है तो क्या होता है अच्छा अच्छा कंपनी वाला पूरा अच्छा वेलो वो लोग उठा लेते हैं, जो बचा हुआ छोटा छोटा कंपनी ऐसा उठाते हैं, और एक एक साइड में जो करता है वो क्या बोलता है ऐसे ही बना के भी बनाने जो मालूम है बना के ये भी इंग्लिश वेलो है बोल के डाल देता है स्टिकर बनवा के। बैट तो खास सब आदमी को मालूम नहीं, ये लकड़ी ये है बोल के सबको मालूम नहीं पड़ता, प्लेयर को भी नहीं मालूम पड़ता है, सिर्फ जानते हैं स्टिकर की वजह से, मगर खेलने का टाइम में पता चल जाता है उनको, जब मारेगा बॉल बैट में लगेगा साउंड आता है उसका गंभीर साउंड ढक करके ठल करके ठंग करके आता है, वो डिफिकल्ट होता है, और खेलने में भी वजन का वेट का वो भी डिफिकल्ट होता है। जैसे आप एक बैट से अगर हम समझाएं कि ये बैट है तो आप क्या इसमें देखते हैं कि मतलब मैं पहला बैट को ऐसे ही पकड़ता हूँ ऐसा उठाता हूँ हाँ बैट ये है, और ग्रेंच आता है ज़्यादा से ज़्यादा एक ग्रेंच जब आता है इंग्लिश बिलो का ये आता है, और इसमें भी क्वालिटी का ग्रेंच होता है क्योंकि टॉप क्वालिटी का बैट अच्छा रहता है 13-14-15 ग्रेंच तक रहता है वो अच्छा होता है, ये 5-6 ग्रेंच थोड़ा ग्रेड बी ग्रेड सी ऐसा होता है, ये थोड़ा कम क्वालिटी का है उसका बजट भी कम है, और जो अच्छे बैट होते हैं उसमें 15-15 ऐसे 12-13-10 के ऊपर रहता है। देखिए ये बैट है, ये टॉप क्वालिटी का बैट ये है, कंपनी बास का है मगर ये है 12-13 साल से मेरा पास है। इसका एक कहानी है, हैट्रिक स्पोर्ट्स MG रोड में था, KCM मेरे को बुलाए सुनील जोशी ने, हैट्रिक स्पोर्ट्स ने बास कंपनी भेजा था उधर सुनील जोशी को बैट देना बोल गया, 3-4 बैट आया उधर तो मेरे को बुलाए भंडारी जी आप बैट सेलेक्ट करो बोले, तो 3 बैट सेलेक्ट किया ये अच्छा है बोला ठीक है बाकी का वापस भेजे, फिर इसको बैलेंस बनाओ बोले, बैलेंस भी बनाया खेले, उसके बाद में 2 साल के बाद में उन्हें रेटेड हो गया रिजन किया, फिर कैसे बुलाया मेरे को भंडारी साहब ये बैट आपका बेटे को देना बोल के दिए मेरे को, तब से मेरा पास है, मैं स्क्रूल पाला था वो स्क्रूल यहाँ पर काट काट के ऐसे कर दिया, मेरा बेटे लोग खेलते थे अंडर 19 तक अच्छा खेले
बड़ा बेटा 2018 में बेंगलोर यूनिवर्सिटी कैप्टन भी था, बेस्ट कैप्टन बोल के अवार्ड भी दिए, तो अभी क्रिकेट खेलना छोड़ दिया उन्हें, दोनों ने छोड़ दिया। अभी छोटा वाला तो मेरा पास में काम करता है, मेरे साथ में अभी था ना, वही है, अब बड़ा वाला दुकान में बैठता है। महेंद्र सिंह धोनी, एक बार मैं अशोक होटल में गया बैट देने के लिए, बैट दे के बाद में मैं थोड़ा चाय भी पिया, बाद निकला। भंडारी साहब आप मैच नहीं देखते हो? ऐसा बोले। मैच तो देखता हूँ, टिकट नहीं मिलता है ना, बोला। आपको कौन पूछता है टिकट? ऐसा बोले। नहीं नहीं नहीं, मेरा दो बेटे हैं इसके लिए, बोला। वो बेटे हैं टिकट। बाद में निकल गया, उन्हें क्या किया, दो टिकट मैनेजर से मंगा के काउंटर में, होटल काउंटर में लिफाफ में डाल के रख दे, कोई भंडारी नाम का आदमी आएगा दे देना उसको, बोल के मैच खेल के निकल गए। बाद में स्टेट में जाकर फ़ोन कर रहा है मेरे को, भंडारी ये अशोक होटल में काउंटर में लिफाफा रखा हूँ मैं, कलेक्ट कर लेना। ठीक है बोला। फिर वहाँ से गांधीनगर से ऑटो में आके लिफाफा लेके कलेक्ट किया, देखता हूँ दो टिकट है, दो टिकट मिला गया। बाद फिर दो बेटे को लेके जाके मैच देखा गया। बेंगलोर में कभी भी मैच रहेगा धोनी बुलाए गए तो मेरे को दो टिकट गारंटी। ये वनडे आईपीएल दोनों में बेंगलोर में मैच होता है तो एक मैच का दो टिकट देते थे उन्हें कंपलसरी, ऐसा है। और एक बार ऐसे ही हुआ, अशोक होटल में गया, पहले अशोक होटल में रहते थे, उसके बाद में आईटीसी गार्डन में शिफ्ट हो गए, अभी रिच कार्टन में रहते हैं। तो अशोक होटल में मैं बैठ दिया, देखे बाद में मैं ऐसे ही चल के जा रहा था, वहाँ से विंडसर मेरा होटल, वो गल्फ कोर्स है ना उसके साइड से रोड है, मैं चल के आ रहा था। टीम इंडिया का बस आया, वो लोग मैच के लिए निकल गए, टेस्ट मैच चल रहा था बेंगलोर में, वो गांगुली का लास्ट मैच था। उसके बाद में आए तो मैं जा रहा हूँ, ऐसे साइड में आकर बस खड़ा कर दिया। बाद में टीम मैनेजर आके मेरे को बुला रहा है, क्या बात है, अरे ऊपर बुला रहा है दादा ने, बोला। फिर बस में ऊपर चढ़ा, दादा बुलाए मेरे को, आप कहाँ जा रहे हो? मैच देखने के लिए। गाड़ी नहीं है? नहीं गाड़ी नहीं है, अभी टाइम है ना, वॉकिंग चल रहा हूँ, नहीं तो मैं ऑटो में जाता था, बोला। बैठो इधर, बोले। फिर बिठाए, फिर स्टेडियम में जाके मैच दिखा के फिर उनके ही साथ में गया मैं अशोक होटल, शाम को लेके आया, जाके चाय की पिलाए, चाय पी के सेंचुरी भी मारे, वही मैच लास्ट था उनका, फिर चली गया। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन रहा है? मेरे लिए सब भी अच्छे हैं, सब भी फेवरेट है। देखिए सचिन को बोलता धोनी का मायका, सेवा का मायका, गांगुली, गौतम गंभीर, ऐसा सुरेश रैना वैसे थे, युवराज सिंह, युवराज सिंह तो बोलते भंडार जी मेरा बॉटम राउंड चाहिए, कितना दिन लगेगा बोलते थे, ये राउंड करने का 10 मिनट काम है, बस उतना ही, ऐसे बोलते थे, मेरे को राउंड चाहिए हाँ बोलते थे। तो उन्हें सभी प्लेयर से यूसुफ पठान, इरफान पठान, सभी प्लेयर ऐसे हैं, अमित मिश्रा हुआ, जहीर खान हुआ, ये सब भी, रॉबिन उत्तपा हमारा, ये राहुल द्रविड़, श्रीनाथ हुआ, ये वेंकटेश प्रसाद, वेंकटेश प्रसाद और मेरे को छेड़ते थे, सब प्लेयर मेरे लिए एक ही है। और जैसे आपने बोला कि आपका छोटा बेटा भी आपके साथ काम करता है, और आपने बताया कि स्किल जो है इसको सीखने क्या क्या चाहिए, तो अभी आप किसी को सिखा रहे हो ऐसा? हाँ, थोड़ा बैलेंस भी बना रहा है, प्रेसिंग पार्चमेंट डॉल में स्पेशल पार्चमेंट नंबर 1 है वो, अभी टॉप हो गया। अभी थोड़ा हैंडल भी थोड़ा फिनिशिंग थ्रेडिंग पूरा करता है, देखिए वो बना बना के रखा है, कर रहा है अभी 3-4 साल, यहाँ आया 5 साल, 5 साल से कर रहा है वो, 5 साल सर्विस हो गया उसका, वो करता है। कितना टाइम लगता है इसको एक परफेक्ट करने में, इस आर्ट को परफेक्ट करने में? एक बैट एक ही दिन में नहीं होता है, क्योंकि उसको पहला ओपन करते हैं, प्रेसिंग में रखते हैं 8-10 घंटा प्रेसिंग करते हैं, फिर प्रेसिंग हुआ नहीं हुआ, फिर दूसरा का खुलता है उसको, फिर उस पर प्रेसिंग करना पड़ता है, फिर उसको हमर से मार के उसको आया कि नहीं आया वो चेक करना पड़ता है, अरे वो रेडी हो गया, फिर क्लीन करके फिर रेडिंग बांधना, वो सब थोड़ा टाइम लेता है। एक बैट एक ही दिन में जल्दी जल्दी बनाने से होगा भी नहीं, जो बनाने वाला काम में भी आएगा नहीं, वो खेलेंगे जल्दी फिर वो वापस ओपन हो जाता है। तो ये तो ऐसी चीज़ है जो शायद ही कभी ये मशीन कर पाएगी, क्योंकि बैलेंस चेक करना है सब। बैलेंस चेक करना मशीन नहीं, मेरे को एक ग्राइंडिंग मशीन है, वही से ही और छिल के बनाता हूँ, मशीन ने बैलेंस चेक नहीं करता है, चेक करना खुद आदमी है, हमको फील आना तब बैट बैलेंस होता है, वो मशीन में डाल के बैलेंस हो के होता नहीं, वो बराबर नहीं होगा, इसीलिए तो आपको बुलाया जाता है, क्योंकि मशीन से तो वो बन के ही आते हैं, बन के ही आता है, मशीन से ही बन के आता है,
एक एक प्लेयर को सूट होता है, एक एक को सूट नहीं होता है। तो वही है जो बैलेंस में, प्रैक्टिस में, फिटनेस में बराबर ध्यान नहीं दिया प्लेयर, तो फिर जल्दी ही रिटायर हो जाते हैं। जब बोलते हैं ना प्लेयर ये बार फॉर्म में नहीं है, गया बार था, ये था, उनके वही है, ये छोटा छोटा है ना, रहता है, बैट में बैलेंस हुआ, फुटवर्क हुआ और फिटनेस हुआ और माइंड सेट। और अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें क्रिकेटर हो उसको बैट की, अपना अगर वो बैट चुन रहा है तो क्या ध्यान में रखते हैं? बैट का ध्यान देना चाहिए, पहला बैट का हाइट, जो छोटे बच्चे के लिए 14, 13, 10 का खेलते हैं उन लोग का बैट का कंपलसरी हाइट का। एक एक पेरेंट्स क्या करते हैं, थोड़ा लंबा बड़ा बैट ले ले क्योंकि बढ़ेगा लड़का बोलते हैं, वो नहीं होना, परफेक्ट साइज चाहिए वो देखना। उसके बाद में बैट लेके उसको उठाना, ऐसा बैलेंस कर रहे थे चेक करना, हाँ उनको फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ ये बैट से खेल सकता हूँ बल्कि उनको दिल में आ जाना चाहिए। नहीं तो एक एक क्या कर पेरेंट लेके देते हैं, वो खेलना ही चाहिए, पापा अच्छा नहीं लग रहा है खेल बोलते हैं, वो नहीं कर। कोई भी बैट खरीदना हो पेरेंट्स लोग बच्चे को लेके जा रहे दुकान में, बच्चे को लेके 4-5 पीस निकाल के बच्चा ने चेक करेगा बराबर, उसको फील आना चाहिए बराबर, ऐसा करके लेके ऐसा करके देखेगा, ऐसा उठाएगा तो उसको फील आएगा, तो वो बैट लेना चाहिए, फील नहीं आए दूसरा दुकान जाना, ऐसा है। डॉक्टर नाम किस कैसे पड़ा? पता नहीं कैसे डॉक्टर नाम कैसे, मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले लेके उधर है फोटो, मैं नॉर्मली बनाता हूँ बैट। अच्छा, न्यूज़पेपर में मीडिया ने आपको नाम दिया? हाँ, वही क्रिकेटर ने 2011 में बोले ना, हाँ वो सब प्लेयर ने बोल दिया उनने पूछा, बोलता है तो बोला कि वो उधर है बैट डॉक्टर, तो सुन लिया वो दिख गया। 2011 में उतना मेमोरी नहीं हुआ, बैट बनाते गया बनाता था। एक बार एक जंटी रोड बोलते थे कि कोई अच्छा बैट मेकर कोई है क्या, बोलते थे अरविंद बोल के हमारा एक टीम, हमारा सचिन का मेंटर थे, उनको पूछ रहा था, तो उन्हें कोई प्लेयर बोला, बोलता है उधर बैठा है ना डॉक्टर, बैट डॉक्टर ऐसा बोलते थे, तो बोलते हाँ यही है क्या। बारिश का वक्त कोई फर्क पड़ता है बैट पे? वैसे पड़ता है बहुत पड़ता है, ये इंग्लिश ब्लो बैट रहता है ओरिजिनल, तो जब बारिश में भीग गया पानी पूरा खींच लेता है, वजन ज़्यादा हो जाता है। सचिन एक टाइम बहुत ज़्यादा वजन वाले बैट से खेलते थे? हाँ, पहले 2005-06 में उनका बैट हेवी रहता था, एक क्रिस गेल का जैसे बैट से खेलते थे उन्हें, हमारा इंडिया में सबसे हेवी बैट खेलने वाला सचिन ही थे। हाँ, अभी ये टेनिस एल्बो बैक पेन होने के बाद में थोड़ा वेट कम करके अभी अच्छा खेले, 2007-11 वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेले, सेंचुरी भी मारे, अच्छा नाम कमाए, डबल सेंचुरी मार के अच्छा प्लेयर थे, हमारा इंडिया टीम में भगवान ही है उन्हें, उन्हें आदमी भी बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा आदमी है, किसी को जोर से बात करना, गाली देना, ये करना, ऐसा वैसा करना नहीं करते, बहुत स्मूथ से हैंडल करने का। जब सचिन टीम में रहते थे एक सीनियर है बोल के उनसे छोटा जूनियर प्लेयर डर के भी परफॉर्मेंस करना, ये करना अच्छा था। सचिन, गांगुली और धोनी, ये तीन जब तक थे हमारा इंडिया का पूरा प्लेयर था, प्लेयर सब प्लेयर को कंट्रोल करके किसको कहाँ खिलाना कैसा करना ये पूरा देखभाल करते थे, तब तो वर्ल्ड कप ऐसा रहना टीम में। अभी तो खास टीम में कोई भी वैसा मेन कैप्टन सीनियर प्लेयर रहना चाहिए। अगर सचिन अभी भी टीम का इंचार्ज होके जाते तो कुछ बात दूसरा। अरे आपने सारे बैटर्स की बात की है, बॉलर्स को अपने बैटर्स बैट से कितना प्यार होता है, कोई बॉलर है जिसका आपको याद हो कि यार वही बैट्स बहुत? हाँ, बॉलर के भी होता है, हमारा हरभजन सिंह एक बार बोले कि मेरे को 2005-06 में बंडर साहब मेरे को ओवल हैंडल खेलने का दिल है, ओवल हैंडल बना दो बोले, तो ठीक है मैं एक ओवल हैंडल बनाया, ओवल हैंडल बना के टेस्ट मैच वो टाइम में सेंचुरी भी मारे। उसके बाद में नेक्स्ट बेंगलोर में आए, बेंगलोर आने के बाद में बोले बंडर जी मैं आपको काम ईजी कर दिया, आसान कर दिया, बोले क्या आसान किया,
वो आपका बनाया हुआ बैट था ना ओवल हैंडेड का, सेम मैं कंपनी को देता हूँ। भज्जी स्पोर्ट्स मेरा ही है, जालंधर में है, मेरा ओन कंपनी है, उसको देता हूँ। आईसीसी ऐसे ही बैट बना के देता है, वो बैट मैं ऐसे ही रखा हूँ, मास्टर बैट ऐसे बोलते हैं। उनको तो प्यार है, होता है। मगर जहीर खान भी बैट से बहुत प्यार करते हैं, और इरफान पठान, यूसुफ पठान बहुत करते हैं, हमारा वेंकटेश प्रसाद, उनको भी बहुत प्यार था बैट से। कोई भी क्रिकेटर हो बैट से बहुत प्यार होता है। ये देखिए हमारा विराट का हैंडल है, उनका बैट से निकाल के दूसरा हैंडल देखिए, ये ओवल है, देखिए पकड़िए आप, ये विराट का बैट है। हाँ देखिए, अच्छा। ये ऐसा ऐसा चौड़ा रहता है, ऐसा छोटा रहता है, ये राउंड है। हाँ ये हमारा रोहित शर्मा का है। अच्छा, टीम सोदी आरसीबी खेलता ना, टीम सोदी, ये भी ओवल है। अच्छा, इधर राउंड है, इधर ओवल है। इसको क्या होता है ना, ऐसा पकड़ने टाइम में ऐसा ऐसा लॉक हो जाता है, इधर राउंड होता है, ओवल यही है। तो क्यों मतलब बैट कोई बैटर प्रेफर करता है कि राउंड हो, कोई बैटर ओवल? ये प्लेयर का चॉइस होता है, एक एक कोई ओवल हैंडल खेलने का आदत हो जाता है, उसको राउंड दिया तो वो मालूम नहीं पड़ता है। हाँ ये लॉक हो जाता है, फटक।